गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आज 21 फरवरी है और आज से पीआरटी के लिए केवीएस पीआरटी का एग्जाम स्टार्ट है। तो मैं भी कैंडिडेट हूँ, तो मेरा आज सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो मैं सोची अपना जो एक्सपीरियंस है एग्जाम का, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ क्वेश्चंस मुझे याद रहा जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को बहुत हेल्प मिले। कुछ कुछ रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो जैसा केवीएस पीआरटी सेकेंड शिफ्ट 21 फेब, आज के दिन मेरा एग्जाम था। तो पहला जो क्वेश्चन था, मुझे इंग्लिश का वर्ड याद आया, वो फूल था। इसका अपोजिट वर्ड लिखना था और वो फूल का अपोजिट क्या है। फिर है त्रिवेणी, यह हिंदी का क्वेश्चन है। त्रिवेणी का संधि विच्छेद करना था। फिर से भोजनालय का था कि इसका संधि विच्छेद किया हुआ ही था, मतलब इस त्रिवेणी का भी संधि विच्छेद किया हुआ था, बट आपको वो सही चूज करना था, भोजनालय का भी। फिर नेशनल मिल्क डे से क्वेश्चन आया, डे से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको डे को भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप नया चीज पढ़ने का वक्त नहीं है, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए। फिर राधा कृष्णन आयोग से क्वेश्चन आया था कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया। एमएस पॉइंट में जैसे हम लोग एक्सटेंशन के लिए लिखते हैं, एक्सेल के लिए या पीडीएफ के लिए या जेपीजी के लिए, तो उसी में पेंट का पूछा था। फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू हुआ था वो क्वेश्चन था। एनसीईआरटी एमसीएफ 2005 या किसके द्वारा बनाया गया था, उसमें ऑप्शन जो एक दो याद है मुझे, जिसमें शिक्षा मंत्रालय था, एनसीईआरटी, सीबीएसई, तो या कि मतलब क्वेश्चन था कि कौन बनाया था एनसीएफ 2005। फिर एनसीएफ 2020 का फॉर्मूला पूछा था, 3 5 + 3 + 3 + 4। फिर डिसेबिलिटी का परसेंटेज पूछा गया था कि जो हम कोई भी डिसेबल पर्सन है उसको गवर्नमेंट कितना परसेंट होने पे, डिसेबल्ड होने पे रिलैक्सेशन देता है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मुझे साइकोलॉजी से जो भी क्वेश्चन उतना याद नहीं है, जैसे याद आएगा मैं और बताती जाऊंगी आप लोग को वीडियो बना के। फिर ईवीएस में स्लोथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें कौन सा गलत है सर, यही था कुछ। एक चीज, कौन सी चिड़िया में नर चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती है, ये मेरे वीडियो में, ईवीएस के वीडियो में है ये ऑलरेडी क्वेश्चन। आप लोग अगर ईवीएस का रिवीजन, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं मेरे वीडियो से। फिर आरटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि ऑप्शन तो याद नहीं है मुझे, बट आरटी से था क्वेश्चन। फिर इंग्लिश में नरेशन, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, इसमें आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। मेन मेन जैसे टेंस का था, तो कुछ सेंटेंस दिया हुआ था उसमें आपको पूछ रहा था कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। फिर अपोजिट वर्ड, कन्फेशन का अपोजिट वर्ड पूछ रहा था। मुझे वर्ड सब याद है, ये पैसेस का वर्ड है, और मैं जब यहाँ पे कुछ जो जो वर्ड मुझे याद था यहाँ पे मैच की हूँ, तो उसका जो मैं लगा के हूँ लगभग मेरा वर्ड सही है। फिर फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था कि यह कहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। एक संयुक्त वर्ड हिंदी का है, एक संयुक्त शब्द जैसे अक्षर त्रज्ञ से था, कि उसमें ऑप्शन में था कि जैसे त्र ले लीजिए, तो ये कैसे बनता है, किन दो वर्णों के मेल से बनता है। फिर है हिंदी का जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह का वहां पे अर्थ पूछ रहा था। आप लोग जो है हिंदी में जो रिमझिम पोयम है या जो भी उसका स्टोरी है उसको पढ़ लीजिए, वो क्वेश्चन आ रहा है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। फिर और कुछ क्वेश्चन है, जैसे अब वर्ड तो मुझे ऑप्शन याद नहीं है, यौगिक शब्द पूछ रहा था, फिर विलोम शब्द पूछ रहा था, और तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन क्वेश्चन था एक। इम्पेरियल, इम्पेरियल ये इंग्लिश का वर्ड है, इसमें इम्पेरियल का सैनोनिज्म पूछ रहा था। फिर सबटल का साइनो या एंटो क्या पूछ रहा था, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट सबटल वर्ड था। फिर एनसीएफ से क्वेश्चन था, एनसीएफ से ज्यादा क्वेश्चन था। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीएफ से, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनसीएफ दो, एनईपी 2020, सबसे क्वेश्चन था। फिर
फिर टीचर स्टूडेंट का रेशियो पूछा गया था कितने का, और इसमें कुछ टेल लगा हुआ था वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर लीडरशिप से भी क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं है, बट मुझे जितना ही 25-30 लगभग के आसपास क्वेश्चन है इतना मुझे याद था, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूं। और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, ज्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, बट अब रिवीजन करिए, जितना हो सके जितना आप पढ़े उतना रिवीजन करिए ताकि एग्जाम अच्छा जाए। और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम से पहले भी, एग्जाम को खराब मत कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।